स्टैंड पर। एसी बस में लगी आग दर्जनों यात्री जलकर मिला। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बैरियर और कुर्सियों में की तोड़फोड़। अब खबरें विस्तार से। पूर्णिया से मुजफ्फर की ओर जा रही बस एसी बस में पूर्णिया बस स्टैंड के समीप आग लग जाने से एक दर्जन बस यात्रियों की झुलस कर मौत हो जाने का मामला सामने आया है। इस घटना में एक दर्जन से ज्यादा लोगों के जलकर मरने की आशंका है। हालांकि मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। न्यायदत्त कोच तेज रफ्तार से डिवाइडर की से जा टकराई और एसी में आग लगने की वजह से देखते ही देखते बस धू-धू कर जल गई। एसी कोच में आग लगने से दर्जनों मुसाफिरों की जलकर मौत हो गई। विलाइन थाना क्षेत्र में एबीवीपी और एनएएसयूआई के बीच हुई मारपीट के बाद आज अखिल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें घंटाघर कंट्रोल रूम के सामने रोक लिया, जिससे हालात गर्मा गर्म हो गए। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बैरियर और कुर्सी में तोड़फोड़ कर पुलिस कर्मियों के साथ जुमा झपटी कर दी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और पानी की बौछार मार भीड़ को तितर बितर कर लाठी चार्ज के कई छात्र घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि उत्पात मचाने वाले सभी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थी परिषद द्वारा जब यहाँ पे कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने हम लोग आए तो हमको जानकारी लगी कि यहाँ पे कलेक्टर नहीं है, तो एसडीएम साहब यहाँ पे ज्ञापन लेने आने वाले थे। जब हम लोगों ने अपना प्रस्तावित भाषण यहाँ पे चालू किया तो पुलिस द्वारा जानबूझ के छात्राओं से गाली गलौज और अभद्र शब्दों का उपयोग किया गया, जिसमें यहाँ पे फिर उग्र हो गए और उनकी तरफ से हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई हमारे कार्यकर्ता घायल हैं और दो कार्यकर्ता अभी एडमिट हो चुके हैं जिनको गंभीर चोटें बताई जा रही हैं और हम लोगों को भी बहुत चोटें लगी हैं। हमारी मांग ये थी कि ये जो एनएसयूआई के गुंडे हैं जिन लोगों ने प्राध्यापक को मारा है, शासकीय साइंस कॉलेज में घुस के उन लोगों ने उनको ड्यूटी के वक्त हमला किया जिसमें से 14-15 लोग उसमें शामिल थे। हमारी मांग ये थी कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और पुलिस द्वारा जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर जो पुलिस स्टेशन के अंदर लाठी चार्ज किया गया, बेकार में हमला किया गया, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए कह करके आए थे और यहाँ पर इन लोगों ने अचानक कानून हाथ में लेकर के और बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया। बैरिकेडिंग तोड़ करके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और ऐसी स्थिति में इनको पहले समझाइश दी गई, समझाए नहीं माने, इन पे वाटर कैनन से बौछार भी किया गया। उसके बाद भी ये लोग कुछ लोग जो है इसमें हाथापाई पे उतर आए, पुलिसकर्मियों से भी मारपीट करने की कोशिश की, तब इनको हल्का बल प्रयोग करके यहाँ से अलग किया गया है। कुछ मीडिया कर्मियों ने भी पुलिसकर्मियों को हॉस्पिटलाइज करवाने में मदद की है और हम देख रहे हैं लगातार स्थिति पर नज़र रखे हुए, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दें। कितनों की सर अभी तक कुछ गिरफ्तारी या फिर ऐसा कुछ हुई, कितने की? अभी तो यहाँ से तितर बितर किया गया और इसमें जो लोग भी बदमाशी किए हैं सबके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज होंगे और सबके खिलाफ कार्रवाई कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी क्षणों की वीडियोग्राफी कराई गई है और स्थिति पर लगातार निगाह रखी जा रही है।